हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यू सेवन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, यानी कि वन वे और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंट होता है, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने मेरे टॉपिक की ओर, यहाँ पर मैंने ये इस साइड वन वे के बारे में बताया और इस साइड मैंने टू वे के बारे में बताया हुआ है। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंट है। तो नंबर पॉइंट वन में आपको अब बताता हूँ। नंबर वन है वन वे स्लैब के लिए, ठीक है। द रेशियो लॉन्गेस्ट स्पान टू शॉर्टेस्ट स्पान इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू टू, ठीक है। ये होता है वन वे स्लैब के लिए। और टू वे स्लैब के लिए क्या होता है, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट स्पान टू शॉर्टेस्ट स्पान इज लेस देन टू, ठीक है। यानी कि ये लेस देन टू होता है, यहाँ पे इक्वल टू टू या ग्रेटर देन टू होता है वन वे स्लैब में। ये पहला डिफरेंट हो गया। दूसरा डिफरेंट देखिए, मेन रेनफोर्समेंट इज नीडेड इज ओनली वन डायरेक्शन फॉर वन वे स्लैब, ठीक है। इसमें रेनफोर्समेंट जो है ओनली फॉर वन वे वन डायरेक्शन में ज़रूरत होती है, ठीक है। और टू वे स्लैब के लिए क्या होती है, मेन रेनफोर्समेंट इज नीडेड इज बोथ डायरेक्शन फॉर टू वे स्लैब, यानी टू वे स्लैब के लिए बोथ डायरेक्शन यानी दोनों साइड दोनों डायरेक्शन के लिए मेन रेनफोर्समेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर थ्री, बेंडिंग टेक्स प्लेस इज वन डायरेक्शन है, और जो टू वे स्लैब होती है उसके लिए बेंडिंग टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, यानी इसमें दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं बेंडिंग। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर हमारा, वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम इन ओनली टू साइड, ठीक है। जो हमारी वन वे स्लैब होती है वो सिर्फ टू साइड से मतलब कि सपोर्ट की जाती है वन वे स्लैब। और जो हमारी टू वे स्लैब होती है वो क्या होती है, वो टू वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम इन ऑल फोर साइड्स, यानी कि ये फोर साइड से यानी कि चारों तरफ से जो हमारी टू वे स्लैब होगी उसके चारों तरफ से ये सपोर्टेड होती है। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंट था। और आगे आइए और डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंट है इसमें। पॉइंट नंबर सिक्स है हमारा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज वन वे स्लैब। इसमें ये आप देख रहे हैं, इसमें पैटर्न जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का है ये वन साइड होता है, यानी कि एक इधर की ओर जाता रहता है इधर की ओर, ठीक है। ये ऐसे होता है, जबकि टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज टू वे स्लैब, यानी कि इसमें चारों तरफ होता है। ये आप देख रहे हैं, इधर की ओर भी लोड लग रहा है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू वे स्लैब के लिए, वन वे स्लैब के दोनों में ये डिफरेंट है। और रेनफोर्समेंट पैटर्न देख लिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो बेंटअप बार जो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मेन बार जिसे कहा जाता है, वो वन साइडेड होती है, यानी कि एक साइड प्रोवाइड की जाती है। वन साइड बेंटअप बार ऐसे ये गई इधर से, ये गई ये ऐसे होती है, ठीक है। और टू वे स्लैब के लिए क्या होती है कि बेंटअप बार इधर भी प्रोवाइड की जाती है और इधर से, यानी कि बोथ साइड बेंटअप बार प्रोवाइड की जाती है। ये था इन दोनों में डिफरेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।